पूरी दुनिया को कोरोना की वैक्सीन का इंतजार है। इस दिशा में भारत में एक बड़ी पहल हुई है। यहाँ कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में 100 वॉलंटियर्स पर कोवैक्सीन का ट्रायल होना है। इनमें से पहले 50 लोगों को कोवैक्सीन दी जाएगी। दरअसल कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू होना भारत में कोरोना के खिलाफ जंग का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कोवैक्सीन पर ट्रायल में बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स ने शामिल होने की इच्छा जताई थी। इनमें से 375 वॉलंटियर्स को चुना गया है। इन सभी पर कोवैक्सीन का ट्रायल किया जाना है। दिल्ली के एम्स में 100 लोगों पर ट्रायल होना है, जबकि बाकी 275 लोगों पर देश के बाकी सेंटर्स पर ट्रायल किया जाएगा। वैक्सीन के 3 फॉर्मुलेशन ट्राई किए जाएंगे। सार्स कोविड जो वैक्सीन है उसके 3 सब यूनिट ट्राई किए जाएंगे, और पहले फेज में हम ये देखते हैं कि सेफ है और डोज रेंज देखते हैं कि कितना डोज देना चाहिए जिससे वैक्सीन की एफिकेसी होगी। तो मल्टीपल डोजेस ट्राई करके सब थेरापेटिक डोज, मतलब लो डोज, फिर वो करके देखा कि वो वैक्सीन सेफ है, फिर उसके बाद आप हायर डोज दे सकते हो कि इस डोज से भी वैक्सीन सेफ है और इससे इम्यूनिटी ज़्यादा मिल रही है और वैक्सीन इज मोर इफेक्टिव। तो ये फेज़ 1 ट्रायल पहले होगा, उसके बाद फेज़ 2 टू सी हाउ इम्यूनोजेनिक इज इट इज, दैट इज फॉलोड सब्सिक्वेंटली बाय फेज 3 जिसमें लार्जर पॉपुलेशन के साथ किया जाता है टू सी कि उसकी एफिकेसी और थेरेपेटिक बेनिफिट कितना दे रही है। अगर बेहतर रिजल्ट आते हैं तो फिर रिपोर्ट डेटा मॉनिटरिंग कमेटी को भेजी जाएगी। सब कुछ सही रहता है तो फिर बाकी लोगों को भी वैक्सीन दी जाएगी। बताया जा रहा है इसी हफ्ते गुरुवार या शुक्रवार को पहली ह्यूमन ट्रायल के तहत पहली वैक्सीन दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।